We have a simple pendulum which is oscillating about the vertical position. So मान लो सिंपल पेंडुलम ऐसे दो एम्पलीट्यूड के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, राइट? यस सर। जब ये ऑसिलेट करता है, ये छोटा सा पोर्शन में वो बेसिकली एक सर्कुलर मोशन का एक पोर्शन कर रहा है। सो जब ये एकदम सेंटर में रहता है तब वो एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहा है। अब मुझे बताओ एकदम सेंटर में इसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है? बस और कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है या पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए दैट शुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सो टुवर्ड्स द सेंटर मतलब क्या है? अपवर्ड्स। तो इसके लिए द फोर्स इक्वेशन विल बी P माइनस mg इज इक्वल टू कंसर्न वाई इक्वल टू ma होना चाहिए ना। P माइनस mg इक्वल टू ma होना चाहिए और वही a यहां पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सो इसीलिए P माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। समझ गए? सो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट p। सारा डेटा दिया हुआ है यहां पर। m दिया हुआ है 100 ग्राम 1 kg, r दिया हुआ है 1 मीटर, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वही रेडियस होगा, ठीक है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वही रेडियस होगा। और क्या दिया हुआ है? स्पीड v is 1.4 मीटर पर सेकंड। सी कैन पुट बैक द वैल्यूज एंड फाइंड टेंशन। क्या निकालना है? 0.1 किलोग्राम। फाइंड t। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है? यहाँ पर बोला गया है कि ये सेंटर पे नहीं है, एक सर्टेन एंगल पे है। कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 रेडियंस। थीटा का वैल्यू 0.2 रेडियंस दिया हुआ है और बोला गया है कि ये पॉइंट पे क्या निकालने बोला है? ये पॉइंट पे फाइंड द टेंशन, सॉरी क्या बोला है? फाइंड द टेंशन। फाइंड द टेंशन एनालिसिस। तो देखो यहाँ पर mg जो है ना वो वर्टिकली काम करेगा, लेकिन टेंशन जो है वो तो ऑलवेज अलोंग द रूप काम करता है। सो अगर ये टेंशन अलोंग द रूप काम करता है तो ये टेंशन का दो कॉम्पोनेंट रहेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वाला जो डायरेक्शन रहेगा ये थीटा अगर होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में p cos थीटा रहेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में p sin थीटा रहेगा, राइट? ये वर्टिकल के रिस्पेक्ट में थीटा दिया हुआ है ना। एक सेकंड, अलोंग द रेडियस और अलोंग द हम लोगों को जो एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, मिनी और स्मॉल चेंज क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं। ये जो t है हम लोगों को जो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है ना, हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में t को टेंशन को कंपोनेंट्स में ब्रेक किए थे अभी तक, लेकिन यहाँ पर टेंशन को कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं करेंगे, mg को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन जो है वो तो अलोंग द रेडियस ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, और हम लोग को सेंट्रीपेटल फोर्स निकालना है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अलोंग द रेडियस होता है, तो इसलिए P को हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे? mg का दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और इधर वाला हो जाएगा mg sin थीटा। सो अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस इक्वेशन होगा t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर मेंशन किया हुआ है कि cos थीटा का वैल्यू तुम लो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 मेंशन किया हुआ है ये सम, और sin थीटा का वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा बिकॉज़ दे आर स्मॉल। सो यू जस्ट हैव टू टेक दैट एंड पुट द वैल्यूज ऑफ दिस थिंग, mg into 1 minus theta square by 2 equal to mv square by r. So,
वैल्यूज सेम ही है। लास्ट क्लास हम जैसे ही एम क्या है, एम है 0.1 kg, बी है 1.4 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, और आर है सेम थिंग, रेडियस कितना है 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर है। सो ये सारा वैल्यूज डालना है, और थीटा का वैल्यूज कितना लेना है 0.2, बस ये डाल के यहाँ पर टी का वैल्यू जो आएगा वो आंसर निकालना है। समझ आया? टी का वैल्यू जो है वो आंसर निकालना पड़ेगा। ये समझ में आया? That will be all for today.